हेलो दोस्तों, कैंसर की बीमारी के होने में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे वातावरण से संबंधित फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। आज हम आपको टॉप 10 एंटी कैंसर फूड्स की लिस्ट देंगे जो कि कैंसर से बचाने में हमारी मदद करते हैं। ओब्वियसली ये सारे खाद्य पदार्थों को खाने से 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी को कभी कैंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनमें मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बॉडी को कैंसर से बचाते हैं। आज हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या अच्छा है और ये अच्छे क्यों हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों का नियमित रूप से सेवन करके अपने कैंसर के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला और सबसे अच्छा फूड है बेरीज। स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इन सब में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी को कैंसर सेल से बचाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बेटर है। फाइबर कंटेंट हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोलोन कैंसर वगैरह का होने का चांस जो है वो भी कंपेरेटिवली कम होता है। तो बेरीज इस मामले में अच्छा फ्रूट है, ज़्यादातर लोगों को कैंसर से कुछ हद तक बचाने का ये काम कर सकता है। इसके अलावा क्रूसीफेरस ग्रुप की वेजिटेबल जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ब्रसल स्प्राउट्स, ये सारी सब्जियों में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को कैंसर वाले सब्सटेंसेस से बचाते हैं। कुछ कैंसर का रिस्क जैसे लंग, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क से कम होता है। इसके अलावा हरी साग सब्जी जैसे स्पिनाच यानी पालक, केल, स्विस चार्ट, कोलार्ड ग्रीन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के होता है। ये सारे तत्व बॉडी के हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली बॉडी के कुछ चार्ज सेल्स हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चार्ज सेल्स को हटाने का काम ये हरी साग सब्जियाँ करती है, इसलिए हरी साग सब्जी हमारे लिए अच्छी है यदि हम कैंसर से बचना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगला खाद्य पदार्थ है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाती है और स्टमक, कोलोन, ईसोफेजियल और ब्रेस्ट कैंसर से बचाने का काम करती है। तो इसलिए गार्लिक यानी लहसुन को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, सब्जियों के फॉर्म में, खाने के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप इसे लेना चाहे तो। इसके अलावा टर्मरिक यानी हल्दी भी अच्छा है। इसमें मौजूद कुर्क्यूमिन है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी में मौजूद सूजन को कम करता है। बॉडी का सूजन अगर कम होगा तो कैंसर होने के चांस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स अगर कम होते हैं तो इसकी वजह से भी कैंसर होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो हल्दी को भी ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा टमाटर में मौजूद होता है लाइकोपीन जो कि प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को कुछ हद तक कम करता है। यदि हम टमाटर को पका करके खाते हैं तो लाइकोपीन का बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाता है यानी उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। तो टमाटर को ज़्यादा मात्रा में खाने से बॉडी में कैंसर होने के चांसेस, खासकर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में होते पॉलीफिनॉल्स जो कि लंग कैंसर वगैरह के चांसेस को कम करते हैं और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस को भी कम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस कम करते हैं, इससे आपको कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नट्स और सीड्स में विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें मौजूद कुछ सब्सटेंस जैसे इलाजिक एसिड और लिग्निन्स होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है तो नट्स और सीड्स को सीमित मात्रा में खाने से फ़ायदा होता है इनके साथ। लेकिन ये इशू है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको अगर खाते हैं तो वज़न बढ़ने का रिस्क रहता है और उससे हमारी बॉडी के कैंसर के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको मत खाइए। इसके अलावा होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी जो चीज़ें इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कुछ हद तक कोलोरेक्टल कैंसर का और बाकी कैंसर्स के चांसेस को भी कम करते हैं। इसलिए होल ग्रेन्स को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, प्रोसेस फूड को कम खाना चाहिए। फैटी फिशेस जैसे सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन फिशेस जो है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बॉडी के कैंसर के रिस्क को कुछ हद तक कम करते हैं, खासकर कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट कैंसर को। ये फैटी फिशेस को भी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो सोर्सेज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जैसे वॉलनट है, शिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये भी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस को कम करता है। इनको भी ज़्यादा मात्रा में लेने से कैंसर के होने के चांसेस कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। आज के टॉपिक में हमने आपको 10 सुपर फूड्स के बारे में बात करी जो कैंसर के चांसेस को कम करते हैं, जैसे कि बेरीज, क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, लीफी ग्रीन्स यानी हरी साग सब्जियाँ, गार्लिक यानी लहसुन,
टर्मरिक यानी हल्दी, टमाटोज यानी टमाटर, ग्रीन टी, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ और ब्राउन राइस। इसके अलावा फैटी फिश जैसे सालमन, मैकरल, टूना, ये सारी फिशेज हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कैंसर के रिस्क को कुछ हद तक कम करने में मदद करती है। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों से कैंसर का चांस बढ़ता है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।